हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम गेहूं का फाड़ा बोलते हैं ना, लापसी, लापसी बनाने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने घी को गरम रखा है गैस चालू करके, उसमें ये लापसी को सेकना है। देखो, मैंने एक बाटी लिया है, इसको अच्छा सा सेकना है। थोड़ा पिंकिश होने लगे ना, तब तक मुझे सेकना है। ये अच्छा सा स्मेल आएगी इसकी। और आप सब लोग कैसे हो कमेंट करके बताना मुझे। फ्रेंड्स, तो देखो अभी मैंने अच्छा सा सेक लिया, अच्छी खुशबू आने लगी। 4 मिनट मैंने सेका इसे। अभी मैं बाजू में मैंने गर्म पानी रखा है, वो उसमें डालूंगी। अभी इसे अच्छा सा मैं पकने दूंगी फास्ट गैस में। इसे कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अभी ये देखो एकदम थोड़ा नरम हो गया है। अभी मुझे उसमें थोड़ा किशमिश और तेज पत्ता डालती हूँ, तो अच्छी खुशबू आएगी उसमें। वो किशमिश भी अभी ये टाइम पे थोड़ा फूल जाएगी, गर्म है ना उसमें। तो भाई थोड़ा मैं गुड़ डालती हूँ, जो वाटी से मैंने डाला था ना लापसी, वही वाटी में गुड़ डालती हूँ। अभी ये सेक रही थी, बीच में गैस गया, सिलेंडर चेंज किया ना, तो ये ऐसे ही पड़ा पड़ा ही पकने लगा। ऐसा कभी कभी क्या करते हैं हम, वगार करके टमाटर डाल के थोड़ी देर ऐसे ही गैस बंद करके ढक के रख दिया ना, तो वो अपने आप पक जाता है और 5 मिनट आपका गैस भी कम चलेगा। ये आज की टिप है। अभी इसको मैं और थोड़ा गुड़ अच्छा सा होने तक पकाऊंगी, पिघलने तक। अच्छा सा स्लो गैस थोड़ा कर देती हूँ। फिर लास्ट में मैं थोड़ा इलायची पाउडर डालूंगी, तो उसकी खुशबू रहेगी। फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हो गया, थोड़ा इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। बस ऐसा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए इसको क्या थाली में भी ऐसा बिछा के रखा तो पीसीस के जैसा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ये टेस्टी होता है ना। वो ठंडा होगा तब तक तो ऐसा खाने का मन होता है। आप बनाओ और बताओ कैसा बना मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये प्लेट में मैंने घी लगा के रखा, अभी मैं उसमें डालती हूँ। ये देखिए ऐसा डिश में मैंने डाल के रखा, और ऐसा स्टील से ही हिलाना अच्छा है। अगर मैं ये इसमें करती हूँ तो वीडियो में आवाज़ बहुत आता है ना ऐसा हिलाने का, इसलिए मैंने ये चमचा लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, तो देखो रेडी है। ऊपर काजू बादाम भी डाल सकते हैं, सूखा मेवा आपको पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखो पीसेस हो गया उसके, ठंडा हो गया तो ये सब पीसेस करके भी रख सकते हैं। घी थोड़ा जम जाता है ना, कड़क थोड़ा हो जाता है, तो बच्चों को हाथ में एक एक पीस दे दिया, अच्छे से खा लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखो लापसी को हम वेरियस ऑप्शन दे सकते हैं। देखो ऐसा ये एक ढक्कन है, ऐसा अगरबत्ती का डब्बा का ढक्कन है, ऐसा कर दिया तो बोल सकते हैं ये पेड़ा है। देखो हो गया,
अगर ऐसा गोल गोल ऐसा हाथ से कर दिया तो लड्डू हो गया। अभी और एक ऑप्शन है मेरे पास, ये काजू कतली जैसा शेप है, ऐसा मेरा एक डब्बा था, इसमें रक्षाबंधन की राखी ली थी तो वो डब्बा मैंने संभाल के रखा था। तो अभी उसमें भी मैं ऐसा करके बताती हूँ काजू कतली शेप। फ्रेंड्स तो ये देखिए, लापसी का ही मैंने अलग अलग शेप दिया है, लेकिन आजकल होटल में जाके दाल राइस खाते बच्चे, ऐसा घर में बना के दिया तो नहीं खाते। फ्रेंड्स लापसी एक ट्रेडिशनल डिश है, हमारा दादी उसकी दादी बहुत ज़माने से पहले से बनती आ रही है ये डिश, लेकिन अभी उसको मैंने न्यू वर्जन दिया। अभी ऐसा ही बच्चों के हाथ में ऐसा बोलेंगे लापसी खाओ तो वो मुंह बिगाड़ेंगे, लेकिन ऐसा ही पेड़ा है, ऐसा मोदक है, ऐसा देखो ऐसा थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, अच्छा सा पीस निकलेगा, तो हाथ में दे दिया ना तो खाएंगे। जैसे हम होटल में जाते दाल खिचड़ी बच्चे खाते हैं, घर पे दिया खिचड़ी तो मुंह बिगाड़ेंगे। तो ऐसा करके आप बनाओ खिलाओ घर पे, और कैसा बना वो बताओ।